हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो बहुत सीरियस है, इसको पूरी देखिएगा आप। एक तरफ सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, एक तरफ सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, दूसरी तरफ आप भी पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो, मुझे पता है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे, और इसका पता चलता है कि आपके गैस पेपर का ऑर्डर हमें मिलना शुरू हो गया है, रामबाण गैस पेपर का। और ये ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा संशय हो रहा है कि जिस तरह कोविड का एक नया वेरियंट आया है, सब वेरियंट कहेंगे इसको हम, JN1, और ये वेरिएंट इतनी तेजी से पांव पसार रहा है इंडिया के अंदर कि भाई मुझे लग रहा है कि 2020 वाली स्थिति ना हो जाए। जब हमने पेपर कैंसिल करवाए 2020 से, 21 था वो, 21 20। तो अब ये शुरू में मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पर कि सर आप इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो कि नया वेरियंट आ रहा है। तो मुझे लगता था यार अभी बोलना जल्दी होगा, क्योंकि ये वेरियंट उतना खतरनाक नहीं था, और WHO भी चुप था इसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि WHO ही एक ऑथराइज बॉडी है जो इस बारे में बात कर सकती है। लेकिन अभी अभी WHO ने कहा है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया, सब वेरिएंट, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। यानी कि कंसर्न का मतलब होता है कि ये इस पर ध्यान रखना है, इस पर नजर रखनी है, नजर रखने योग्य। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई एलिमेंट ऑफ कंसर्न होते हैं समाज के अंदर, तो पुलिस क्या करती है, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके ऊपर नजर रखती है। मतलब घर में है अपने, उनको लगेगा हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई, लेकिन पुलिस की टीम होती है जो घूमती रहती है आसपास उनके, और उनसे कनेक्टेड लोगों का ध्यान रखती है, और वो पता लगाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये कोरोना का नया वेरियंट कंसर्न हो गया है बड़ा, क्योंकि गोवा में और केरला में इसका विस्फोट हो चुका है, महाराष्ट्र में भी। अभी मैं अपनी टीम से पूछ के बताता हूँ कि कितने केस हुए हैं डिटेक्ट। टीम बताइए। टोटल 4054 केस डिटेक्ट हो चुके हैं इंडिया में, और सिंगल डे राइज 628, और गोवा केरला और महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद में 2-3 केस मिल चुके हैं, और सच बताऊं तो मुझे भी 3-4 दिन से खांसी हो रही है, तो मुझे भी लग रहा है कि टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले भी कोविड हुआ, आपको पता है। जब हमने पेपर कैंसिल करवाया था तब मैं हॉस्पिटलाइज था, और तब तो जान बची थी मुश्किल से, तो मैं दोबारा भी सोच रहा हूँ टेस्ट करवा लूँ। हालांकि बुखार वगैरह कुछ नहीं है, पहले बुखार भी हुआ था 1-2 दिन, और मतलब नाक बह रहा था, फिर अब नाक वाक सब बुखार ठीक हो गया, लेकिन अब मुझे खांसी बहुत हो रही है इस टाइम। मेरी आवाज़ भी लग रही है आपको, गला बैठ गया है और एकदम खांसी उठती है बहुत तेज। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई तैयारी करते रहो पूरी, और अपना गैस पेपर बुक कर लो, गैस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कोरोना का वेरियंट का जो नया वेरियंट है, सब वेरियंट JN1, अगर ये फैल गया तो इस बार देखो लॉकडाउन की चांस तो मुझे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता चल गया किस तरह डील करना है इसको। लेकिन ये बात जरूर है कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा केस बढ़े तो, क्योंकि सरकार फिर आपको बुलाएगी नहीं। एक तरफ तो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, दूसरा अगर कोरोना का सब वेरियंट फैलता है तो सरकार फिर क्या करेगी, बच्चों को स्कूल ही बुलाएगी, और हम भी इसके लिए आंदोलन चलाएंगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो। और अगर आप चाहते हो कि सपोर्ट करो आप, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं, और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर लेना। हालांकि अभी तो बहुत जल्दी है इस तरह कहना, और भगवान करे कि वेरिएंट ये ना फैले इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत लोग मरते हैं, बहुत सौ के घर उजड़ जाते हैं। फिर भी अगर ये वेरिएंट फैला तो हम फिर दोबारा आंदोलन चलाएंगे आपके पेपर ऑनलाइन करवाने के लिए, ताकि आपकी जान बचे और बच्चों की जान बचेगी तो देश का भविष्य बचेगा। हालांकि ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वेरियंट अभी उतना फैला नहीं है, बट एक सिंगल डे में 600 कुछ केस मिलना बहुत कंसर्न की बात है, और WHO इसको पहले ही कंसर्न की वेरियंट ऑफ कंसर्न बोल चुका है। इसके अलावा गाजियाबाद में 1-2 केस मिले हैं अभी इसके, डॉक्टर यहाँ पर एक ब्रिजपाल त्यागी ENT के, उनके हमारे जानने वाले ही हो, यहाँ के एक बड़े ENT माने जाते हैं, तो उनके यहाँ के एक पार्षद हैं अमित त्यागी, उनको मिला है, उनकी फैमिली में भी, उनकी दादी जी को भी शायद या उनकी मम्मी को भी ये केस जो है डिटेक्ट हुआ है। तो अभी इसका कोई मारक क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब डेथ रेट कम है इसका, बट अगर ये, जैसे इंडिया बहुत डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पर तो भाई ये फैल सकता है बहुत तरह से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाना शुरू कर दो। मैं भी आज मास्क ले आऊंगा नए, पहले वाले मास्क मैंने फेंक दिए थे, मेरे पास 4-5 मास्क रखे थे, पर मुझे दोबारा मास्क पहनने पड़ेंगे। पहले आपको बताऊंगा, मैं दुपट्टा रखता था कि सर पेट के यहाँ पर, अब मैं दोबारा लूंगा वो, मैंने डोनेट कर दिया था दुपट्टा, अब मैं दोबारा लूंगा, क्योंकि मास्क मुझसे पहने नहीं जाते ना, आदत है, और सांस लेने में दिक्कत आती है, और फिर चश्मे में वेपर आ जाती है। लेकिन मैं दुपट्टा लूंगा अपना, क्योंकि उससे काफी बचत हो जाती है, अगर कोई छींक दे कुछ हो जाए तो एकदम थोड़ा बच जाते हैं उससे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, और काढ़ा पीजिए, और शहद खाइए, और भाई गरम गरम पानी पीजिए, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और पढ़ाई जरूर करते रहना, और गैस पेपर लेने के लिए
₹250 पर सब्जेक्ट, 9818777622 इस नंबर पर आप दे सकते हैं अपनी गुरुदक्षिणा, डोनेशन एक तरह का है, और हम आपको जब आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर भेजोगे उसका स्क्रीनशॉट तो एक मैसेज आएगा रिसीव्ड, उसके बाद हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे अपने सीक्रेट ग्रुप में जब भी वो बनेंगे, और आपको गैस पेपर दिया जाएगा सबसे पहले दिसंबर तक, जो लेगा उसको पहले देंगे सुबह 2 दिन पहले, और जो उसके बाद लेंगे उनको शाम को देंगे। तो ध्यान रखिए अपना, सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस, नए साल की शुभकामनाएं भी अभी से दे देता हूँ। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो स्वर्गीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे, उनका भी बर्थडे है, तो उनको भी हम यहाँ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, और जहाँ भी हो, दूसरा जन्म हो गया होगा अब तक तो। जय हिंद, वंदे मातरम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।